hello and good morning dear students so if you remember that we had uh, learned we had studied about different degrees of comparison where uh, the words were uh, counted as positive positive form and then comparative and then superlative positive form is for one and then comparative comparative

फॉर्म यूज होगी जहां आप दो लोगों के लिए बात कर रहे हैं और सुपरलेटिव बहुत सारे लोगों के लिए जब आप यूज करते हैं कोई फॉर्म सो सुपरलेटिव फॉर्म ओके ये आपके साथ में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आई डिस्कस्ड इट प्रीवियसली एज वेल यू कैन सी माय प्रीवियस वीडियो कंपेरेटिव डिग्री ऑफ कंपेरिजन फॉर मोर क्लैरिटी Now, in that, in, in that video, I told you that uh, there are certain exceptions as well. usually positive form ER When we add ER, it becomes comparative. And when we add EST, it becomes superlative. So it was the normal case, and in, usually, uh, in usual cases, it happens that. With positive form, if ER is attached, so it becomes a comparative form, and if EST is attached, then it becomes a superlative form. So, here now I'm going to tell you about some exceptions. Let us see. So, for good, that day also I told you, and now we are discussing it in detail. Good. बेटर बेस्ट नाउर यू सी फॉर गुड वी आर नॉट एडिंग और ई आर राइट सो इट इज नॉट गुड गुड गुडेस्ट इट वि गुड बेटर बेस्ट ओके बैड और इल बुरा एक नेगेटिव फॉर्म है बैड बुरा है जिसके लिए कहते हैं सो बैड अब इसमें ऐसे नहीं होगा बैड बेडर बेटेस्ट नो बैड वर्स वर्स्ट ओके okay? तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जितनी भी ये डिग्री है जितनी भी फॉर्म है इनका ई ER आर और ई एस टी जरूरी नहीं है आप यहां देख सकते हैं ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट दैट इज फाइन दैट इज यूज फॉर पीपल और मे बी समाइम थिंग्स राइट एंड इफ इट इज यूज फॉर पर्टिकुलरली पीपल इंसानों के लिए जब यूज किया जाता है जैसे भैया दीदी या पेरेंट्स कोई भी आपसे एल्डर हैं बड़े हैं तो आप ओल्डर नहीं कहेंगे एल्डर एल्डेस्ट कहेंगे ठीक है इफ इट इज used फॉर पीपल इंसानों के लिए ह्यूमन being के लिए यूज हो रहा है सो यू विल यूज ओल्ड एल्डर eldest. बोलते हैं ना जैसे कि ही इज द एल्डर ब्रदर एंड ही इज द eldest सन राइट right? बड़ा बेटा है या बड़ी बेटी है सबसे सब बच्चों में सबसे बड़ी है बेटी तो इस तरीके से जब इंसान के लिए यूज करना है तो ये यूज करेंगे ठीक है सो लिटिल लेस लीस्ट लिटिल व्हेन इट इज यूज़ फॉर साइज सो लिटिल दैट विल बी स्मॉलर स्मॉलेस्ट मच मोर मोस्ट फार फार प्लेस और टाइम के लिए यूज होता है यूजुअली सो फार फर्दर फर्thest

Then next, then old. I have already I have already told you. So now moving on to your uh, uh, activity sheet for today. Let us see. Okay, Peter. So this is your worksheet for today. In this worksheet, you have to use the correct form or correct word for the sentences for the blanks. Okay. So complete the sentences using the words given in the bracket. So comparative. See younger, older, smaller, bigger. So up.

Than the cat. Now you have to tell me the elephant is bigger or smaller than the cat. So elephant, cat se bada ya the Elephant is yes, obviously it is bigger. Okay, so we'll do like this. Moving on to the next one, bitter.

मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन बेटा आई एम डैश देन माई मदर आप जैसे आप बच्चे हैं तो आप अपनी मम्मा से क्या है? हैं ओल्डर हैं या यंगर हैं यंगर मतलब छोटे तो आप अपनी मम्मा से छोटे हैं ना सो यू विल राइट आई एम यंगर देन माई मदर आप अपनी मम्मा से छोटे हैं ना सो यू आर यंगर देन योर मदर

टर और अगर आपके पास ऑप्शन नहीं होता तो आप बिगर भी लिख सकते थे ठीक है बेटा सो so, नीम ट्री इज़ टॉलर देन प्लांट लास्ट वन द फॉक्स इज डैश देन अ कैट। सो अ फॉक्स इज क्लेवरर और नॉट क्लेवरर सो Always we say no, the fox is very clever, it is very cunning. So, a fox is cleverer, cleverer than a cat. Okay. So, Beta, I hope you understood. If you have any query, any doubt, we can start our discussion session. Thank you.